अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर खुर्रम शाहीन लेक्चर नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिंबल्स को कवर करेंगे कि सिंबल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, उनकी शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं, और इसके साथ हम लोग ऑटो करेक्ट जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने ओपन कर लेना है, मेरे पास ये पहले से ओपन है। तो आपने सिंपल सिंबल्स के अंदर जाना है। ये आपके पास कुछ पहले से प्री डिफाइंड सिंबल्स है, आप इनको यूज करना चाहते हैं। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो आप लोग इनके ऊपर सिंपली क्लिक करें, ये सिंबल्स इधर आ जाएंगे। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो आप लोग मोर सिंबल्स में जाएंगे। मोर सिंबल्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जिस तरह की आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल्स होते हैं वाइंडिंग्स, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह ये वाइंडिंग्स बंद करता हूँ, ये देखें, ये आपके पास सिंबल्स आ गए। इसके बाद वाइंडिंग्स 2 है, फिर आपके पास ये वाइंडिंग्स 3 है। तो बेटा जो आपको जरूरत है जिन सिंबल्स की, आप लोग वही सिंबल्स ही इस्तेमाल करते हैं। इनको ऊपर करें थोड़ा सा ताकि आपको मजीद ये फर्दर क्लियर। ये देखें, इनकी हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। ये आपके पास कट का सिंबल है, आपके पास ये कॉपी वगैरह का सिंबल है, ठीक है, ये टेलीफोन वगैरह का सिंबल है। सिंपली आपने करना ये होता है कि उस सिंबल के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है। या आपने ये कट का सिंबल है, आपने ये शो करना है। अच्छा, इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि अगर आप लोग एक सिंबल को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह सपोज करो मेरे पास ये सीजर का सिंबल है तो मैं इसको बार बार इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इसकी शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट की हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सिंपली उस सिंबल के ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने शॉर्टकट की में जाना है। जैसे ही आप लोग शॉर्टकट की में आ जाएंगे, वो आपसे यहाँ पूछेगा कि आप शॉर्टकट की बताएं। अगर पहले से बनी होगी तो वहां आपको शो होगी, अगर पहले से नहीं बनी होगी तो आपको वो शो नहीं होगी, इसी तरह ही ब्लैंक नजर आएगा। तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे आर्ट कंट्रोल कोई भी बटन प्रेस कर दें। आर्ट और कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं आर्ट कंट्रोल 7 प्रेस करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहां से भी क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, मैं जहां भी आर्ट कंट्रोल 7 प्रेस करूंगा, ये सीजर का सिंबल आएगा। तो आप इस तरह किसी भी सिंबल की जो है वो कोई भी शॉर्टकट की बड़े आराम से बना सकते हैं। शॉर्टकट की बनाने का मकसद ये होता है कि आपको बार बार सिंबल्स की ऑप्शन में ना जाना पड़े। दोबारा मोर सिंबल्स में आते हैं, मैं एक और की आपको बना के दिखाता हूँ। जिससे आपके पास ये फिगर का साइन है, ये पॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और शॉर्टकट की में चले जाएं। मैं दोबारा आर्ट कंट्रोल इसकी की रख देता हूँ 8, आर्ट कंट्रोल 8 और असाइन कर देता हूँ। इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। आप देखें, अब आप आर्ट कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो वो फिंगर का साइन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन साइन है ये। अगर आर्ट कंट्रोल 7 करेंगे तो सीजर आएगी, आर्ट कंट्रोल 8 करेंगे तो आपके पास वो थंब्स जो फिंगर का साइन है वो आ रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरह हम लोग कोई भी सिंबल अपनी ही असाइनमेंट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी इसी तरह ही हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की भी अनेबल कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और है इसके अंदर जो हमने डिस्कस करनी है, वो ये है कि हम लोग अपनी टाइपिंग स्पीड तेज करने के लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को यूज कर लेते हैं। वो किस तरह यूज करते हैं, मोर सिंबल्स में जाएं, यहां आपके पास ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है, इसके अंदर चले जाएं। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि नीचे से कोई भी आपने वर्ड सेलेक्ट करना है। ये मैंने कर लिया, मैंने यहां पे सिंपली लिखा जी के लिखने के बाद मैंने यहां लिखा KHUR AM, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। अगर ये पहले से मौजूद नहीं होगा तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ये पहले से मौजूद है और मैं किसी और के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। अब ये पहले से K=Kiran है तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको रिप्लेस कर देता हूं। इसको यस करें, ओके करें, क्लोज कर दें। अब देखिए, मैं सिंपली K प्रेस किया। मैंने K प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, वो ऑटोमेटिकली खुर्रम शाहीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह हम लोग एक और वर्ड ऐड करके देखते हैं। मोर सिंबल्स में जाना है, मोर सिंबल्स में जाने के बाद आपने ऑटो करेक्ट में जाना है। नीचे से गेन कोई ना कोई आपने वर्ड सेलेक्ट करना है, कोई ना कोई वर्ड सेलेक्ट कर ले। मैं यहां लिखता हूं जी M, और यहां पे मैंने लिख दिया मोहम्मद, और इसको मैं रिप्लेस करता हूं, ये पहले से भी लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने ओके किया,
क्लोज किया। अब मैं एम प्रेस करूंगा तो वो मोहम्मद लिख देगा, के प्रेस करूंगा तो वो खुर्रम शाहीन लिख देगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग सिंबल्स के अंदर जो शॉर्टकट की है उसको यूज कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आई होप के आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से कोई फायदा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो आपके लाइक का सिंबल है उसको प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।